मैं देवर की दीवानी थी। देवर जो कहता मैं उसे खुश रखने के लिए सब कर देती। एक रात देवरानी घर ना थी। मैं उसके कपड़े पहनकर देवर के पास सो गई। लेकिन देवर ने तो मेरी मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि मुझे किसी खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी खूबसूरत थी, मगर मैं बहुत गरीब थी। इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वो लड़का गरीब होता था और बदसूरत भी। इसलिए मैं कई साल तक शादी से इनकार करती रही, और यहाँ तक कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे। मेरा बाप मर चुका था और मेरी शादी के इंतज़ार में मेरी माँ भी मर गई, और भाई भाभी मुझे इस बात के ताने मारने लगे, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरी तरह ही खूबसूरत हो और वो अमीर भी हो, क्योंकि मैं गरीबी से तंग आ चुकी थी। बहरहाल एक दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़के की फोटो दिखाई जो कि बहुत हसीन और खूबसूरत था। और जिस दिन वो मेरा रिश्ता लेकर आए, साथ में इतना सामान लेकर आए कि मुझे यकीन हो गया कि लड़का बहुत मालदार है। मेरे पांव सातवें आसमान पर थे। मैं खुशी के मारे फूली ना समा रही थी। मैं सोच रही थी जैसा मैंने ख्वाब देखा था वह पूरा होने जा रहा है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी हुई तब मैं बहुत खुश थी, मगर मेरी सारी खुशी शादी की पहली रात उड़ गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने पति की जवानी की तस्वीर दिखाई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत था। उम्र ज्यादा होने की वजह से वह बूढ़ा दिखाई देता था। मेरी भाभी ने मेरे साथ धोखा किया था, मगर अब मेरी शादी हो चुकी थी इसलिए मैंने सब्र कर लिया, जो कि अगर मैं अपने पति से तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का दाग लग जाता और कोई मुझसे शादी भी ना करता। वैसे भी मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे। मेरा पति और इसका एक छोटा भाई था। हमारी छोटी सी फैमिली थी और मैं यहाँ राज करने वाली थी। मेरे देवर की शादी होने तक ससुराल में भी हुकुम चलाती। यहाँ तक कि मेरे देवर एक दिन अपने भाई से कहा कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई कि रोज इसके लिए लड़कियाँ देखने जाऊंगी, मगर इसने तो हमारे सामने ही कह दिया कि वो लड़की देख चुका था और वो रिश्ता ले जाना चाहता था। हमने फौरन जाकर रिश्ता तय कर लिया और मेरे देवर की भी शादी हो गई। देवर की बीवी आते ही अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो इस दिन बहुत थक चुकी थी। शाम हुई तो मैं अपने कमरे से निकली तो मैंने अपने देवर के कमरे में झांक कर देखा कि वो लोग इस वक्त क्या कर रहे थे। मैंने सोचा कि उनसे पूछ लूं कि वह खाना खाएंगे या नहीं, लेकिन ये देखकर मैं हैरत में पड़ गई थी कि मेरे देवर की बीवी ने अपने पति के कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर मैं कांप कर रह गई थी, क्योंकि वो लड़की मुझे शुरू से ही बहुत अलग-अलग लग रही थी। मैं खाना खाने जा रही थी, मगर ये देखकर मैं वहीं रुक गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे देवर की बीवी ऐसा क्यों कर रही थी। इसी वक्त मेरी नज़र अपने देवर पर पड़ी, जो कि अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए था। अब इसको क्या हो गया है? ये देखकर बहुत ज़्यादा चकरा गई थी। वो दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे नहीं रही थी। मगर मैं उन्हें देख रही थी और दोनों पति पत्नी का हुलिया देखकर मैं हैरान हो रही थी। इसी वक्त मेरी देवर की बीवी अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर चली गई, जबकि मेरा देवर बीवी के कपड़े पहनकर सो गया। ये देखकर मैं हैरान परेशान अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये सब अपने पति को बताऊं या फिर नहीं। लेकिन मैंने इस रात को अपने पति को ये बात नहीं बताई, और सुबह हुई तो मेरे देवर की बीवी वापस घर आ गई और सबसे छुपकर अपने कमरे में चली गई। मगर मैंने इसे किचन की खिड़की से देख लिया था, मगर मैं खामोश रही। नाश्ता बन गया तो वो दोनों पति पत्नी किचन में आ गए। मैंने देखा कि मेरे देवर ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी बीवी ने भी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी।
दोनों रास्ते के दौरान बहुत हंस रहे थे और मैं सोच रही थी कि रात को उन दोनों को क्या हो गया था। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर अपने कमरे से निकल आई, देवर के कमरे की खिड़की से छुपके से अंदर झांकने लगी। मेरे देवर बिस्तर पर सोया हुआ था और उसकी बीवी बाथरूम में थी। बाहर निकली तो मैंने देखा कि उसने अपने पति की पैंट शर्ट पहन रखी थी और उसने अपने लंबे बाल टोपी में छुपा रखे थे। उसने जैकेट पहनी तो बिल्कुल लड़का लग रही थी। उसे देखते ही रह गई। कल की तरह उसने अपने पति से कुछ बातें की और फिर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं जल्दी से छुप गई थी कि वो मुझे ना देख ले। मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी ने दरवाजा खोला और घर से बाहर चली गई। 3 रातों तक ऐसे ही होता रहा। मेरा देवर अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बिस्तर में सो जाता था, जबकि उसकी बीवी उसके कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। फिर एक रात हमारे घर कुछ लोग आए। मैं अपने कमरे में थी और कुछ देर पहले ही मेरे देवर की बीवी उसके कपड़े पहनकर चली गई थी। वो 3 लोग थे और उनके हाथ में बंदूक भी थी। वो लोग जैसे ही हमारे घर आए, वो सीधा मेरे देवर के कमरे में चले गए और मेरे देवर को अपने साथ ले गए। मेरे देवर को बेहोश करके ले गए थे और मैंने देखा कि मेरे देवर ने अभी भी अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए थे। ये देख कर मैं और डर गई थी, क्योंकि उनके हाथों में बंदूक थी। जो भी उनके सामने जाता, उनकी गोली के सामने आ जाता। इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं जगाया। इस वक्त सो रहा था, मगर मैंने उसे नहीं बताया कि कुछ लोग तुम्हारे भाई को अगवा करके ले जा रहे थे। इसके बाद मुझे इतना डर लगा कि मैं अपने बिस्तर में घुस गई और मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी देवर की बीवी घर आ चुकी थी और वो अपने कमरे में बैठी थी। तुम यहाँ मज़े से बैठी हो और उधर तुम्हारे पति को कुछ लोग अगवा करके ले गए। मेरे देवर की बीवी घर आई तो मैंने उसे सारा किस्सा बताया था, मगर वह सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं तो सोच रही थी कि वो अपने पति के लिए परेशान हो जाएगी, रोएगी पीटेगी। ना जाने मेरा पति जिंदा भी होगा कि नहीं, मगर वो लड़की तो बड़ी अजीब थी। कुछ भी नहीं किया और मज़े से बैठी रही, जैसे वो इसका पति ही नहीं बल्कि मेरा था। मुझे तो अपने देवर के अगवा होने का बहुत अफसोस था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, ना जाने मेरे देवर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, उसकी हालत कैसी होगी। उसके जाने के बाद मैं लगातार रो रही थी कि कहीं उन लोगों ने मेरे देवर को मार ना दिया हो। मैं तो ये सोच कर ही कांप रही थी, क्योंकि मुझे तो अपने देवर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसकी बीवी की तरह पत्थर दिल नहीं थी, मेरा दिल तो बहुत नरम था। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, अपने पति को सारी बात बता दी। ये सुनकर वो भी परेशान हो गए, क्योंकि इसका एक भाई था जो कि इसे बहुत प्यारा था। इसलिए वो मुझसे पूछने लगे वो कौन लोग थे। ये सुनकर मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन लोगों को नहीं देखा था, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत चालाक लड़की है और ज़रूर तुम्हारे भाई के अगवा होने में इसी लड़की का हाथ है। ये सुनकर मेरे पति, मैंने इधर उधर देखा कि मेरे देवर की बीवी हमारी बातें ना सुन ले, मगर वह आसपास नहीं थी। इसलिए मैंने अपने पति को कहा कि मुझे तो तुम्हारी भाभी पर पहले दिन से ही शक है, ये लड़की तुम्हारे भाई को मरवाना चाहती है। ये सुनते ही मेरा पति गुस्से में आ गया और उसने कहा, इस लड़की को इस घर से निकलवा दूंगा। मगर मैंने इसे ठंडा करते हुए कहा कि पहले अपने भाई को घर ले आओ, इसके बाद अपने भाई से कहना इस लड़की को तलाक दे दे। ये सुनकर मेरा पति सुकून से हो गया और फिर घर से चला गया। और मैंने अपने देवर की बीवी से कोई बात नहीं की। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरी तो
भूख मर चुकी थी, मेरा देवर अगवा हो चुका था और मेरा पति उसके पीछे गया हुआ था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। फिर सुबह से शाम हो गई मगर मेरा पति घर नहीं आया। मैंने इसे कई बार कॉल की मगर उसने तो मेरी कॉल ही नहीं उठाई। मैं बार बार ये सोचकर गुस्सा करती रही, सब इसकी भाभी ने किया था, मगर अब वह अपने भाई की वजह से मुझ पर गुस्सा निकाल रहा था। इस सब में मेरा क्या कसूर था? मैं तो सोच रही थी कि जैसे ही मेरा पति मेरे देवर को घर ले आएगा, मैं अपने देवर से कहूंगी कि इस चालाक लड़की को भी तलाक देकर घर से निकाल दे, क्योंकि यही असली फसाद की जड़ है। क्योंकि ये खुद तो तुम्हारे कपड़े पहनकर चली जाती थी मगर तुम्हें घर बैठाकर लोगों से अगवा करा दिया। मगर मैं ये बात अपने देवर से इस वक्त कहती ना जब वह घर आ जाता, मगर अभी तक तो वह घर नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि मेरे देवर को मेरी बात पर यकीन आ जाएगा और इसकी असलियत हकीकत जान लेगा। अभी से पता चलेगा कि इसने इस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। फिर शाम से रात हुई तो मेरा पति घर आ गया, उसके साथ मेरा देवर भी था। ये देखकर मैं खुशी से रो पड़ी थी कि मेरा पति अपने भाई को घर वापस ले आया था। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया था और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे जाने से बहुत खुश हुई थी। मैंने फौरन से अपने देवर को ये बात बता दी कि इसकी बीवी आकर इसे कुछ और ना बता दे। मैं अपने देवर को इसकी बीवी की असली हकीकत बता देना चाहती थी ताकि दोबारा इसके साथ ऐसा ना हो, लेकिन इस वक्त मेरे देवर की बीवी आ गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारे जाने से परेशान हो गई थी और अपने कमरे में बैठी तुम्हारे आने की रब से दुआ कर रही थी। ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। ये लड़की कितनी झूठी थी, पहले पति को अगवा करवा लिया और अब इसके सामने मासूम बन रही थी ताकि वह इसे तलाक देकर घर से ना निकाल दे। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, ये सब इसी ने किया था और तुम्हें मरवाना चाहती थी, इसलिए तुम फिर इसकी इसकी बातों में मत आना और इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की दुश्मन है और इसने ही तुम्हें अगवा करके रखने का प्लान बनाया था। ये सुनकर उसकी बीवी हक्का बक्का रह गई और मेरा देवर हैरत से मुझे देखने लगा। मगर मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को अपने घर से आज ही निकलवा दूंगी, इसलिए मैंने अपने देवर को सब सच बता दिया। ये सुनकर मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, मगर इससे पहले ही मेरे पति ने इसे रोक दिया। ये देखकर मैं अपने पति की तरफ देखने लगी कि उसने अपने भाई को क्यों ऐसा करने से रोक दिया था। आज इस लड़की को तलाक मिल जाती तो मुझे सुकून मिल जाता। तुमने अपने भाई को क्यों ऐसा करने से रोक दिया? यही लड़की इस घर की दुश्मन है, इसे अभी इस घर से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ कि लड़की इस घर की दुश्मन नहीं बल्कि तुम इस घर की दुश्मन हो। ये सुनकर मैं हैरत में आ गई कि मेरा पति क्या कह रहा है। मैं तो घर से अपने पति और देवर से बहुत प्यार करती थी, मैं उनकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? यही बात मैंने अपने पति के मुंह पर कह दी। ये सब तुम्हें इस लड़की ने बताया? मेरे पूछने पर मेरा पति गुस्से में आ गया और कहने लगा, ये सब मैंने उस वक्त जान लिया था जब मैं अपने भाई को लेने गया था। ये इसकी बीवी ने नहीं किया था बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। अपने पति की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, मगर ये घर वाले मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और मजलूम सा मुंह बनाकर इससे कहा, ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कहकर मैं रोने लगी। तभी मेरे पति ने एक वीडियो मेरे सामने चला दी जिसमें वो तीन लोग थाने में खड़े नजर आ रहे थे और
मार खाने के बाद पुलिस को अपना बयान दे रहे थे कि हमने जिस आदमी को इसके घर से अगवा किया था, उसकी भाभी ने हमें इस काम के लिए पैसे दिए थे। ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई, जबकि वीडियो देखने के बाद मेरे देवर की बीवी मेरे पति से कहने लगी, क्या आपने तो अपनी बीवी की हकीकत अभी देखी है? मैंने उस दिन से देख ली थी, जब भाभी छुपकर हमारे कमरे में झांकती थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा घर नहीं बसने देगी। मैंने उन्हें अपने पति से दूर रखने के लिए ये तरीका निकाला कि मैं अपने ही पति के कपड़े पहनकर बाहर जाने की एक्टिंग करती थी, और मेरा पति भी जाहिर करता था जैसे वो रात भर अपने कमरे में अकेला हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं थोड़ी देर बाद ही घर वापस आ जाती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि ये बात आपकी बीवी को पता ना चले, इसलिए मैं सुबह सवेरे कपड़े पहनकर घर आने की फिर एक्टिंग करती थी। अपने देवर की बीवी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपना सर झुका लिया, लेकिन अब सबके सामने मेरी असलियत जाहिर हो चुकी थी, इसलिए छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दरअसल मुझे मेरा पति नहीं बल्कि देवर पसंद था। मैंने सोचा कि मेरा पति बूढ़ा है, वह कुछ सालों बाद मर जाएगा, तो मैं अपने देवर से शादी कर लूंगी, क्योंकि वो मेरी तरह खूबसूरत था, इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी ना हो। मगर इसने तो इस खूबसूरत लड़की से शादी कर ली थी, और मुझे इसकी बीवी से नफरत हो गई, और मैं चाहती थी कि मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दे, इसलिए मैंने इसे अगवा होने का प्लान बनाया, मगर मेरा प्लान नाकाम हो गया। ये सुनने के बाद मेरे पति ने मुझे इसी वक्त तलाक दे दी, जो मैंने अपनी देवरानी के लिए खड्डा खोदा था, मैं खुद ही उसमें गिर गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।